रामपुर की जनता मोहम्मद आजम खान को। अरे जो 5 साल का है वो तो हिसाब दे, आप 70 साल का हिसाब लेना शुरू कर रहा है यार। जब से चौकीदार तो आलू की भाजी खाता है, काजू की रोटी खाता है, चौकीदार 10 लाख का सूट पहनता है। अच्छी खासी डिग्री लेने के बाद, टैलेंटेड होने के बाद पकौड़े पकाएंगे? ये जो जितने भगौड़े हैं पैसे लेके भागे, उस वक्त चौकीदारी कौन कर रहा था भाई, ये बता दें पहले। वो ये मुस्लिम महिलाओं के इतने हितेशी हैं, तो मुसलमानों का भी कोई रिजर्वेशन होना चाहिए, या मुस्लिमों को कोई टिकट, मुस्लिम महिलाओं का कोई टिकट दिया इन्होंने? नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में मौजूद हैं। रामपुर से बीजेपी से जयप्रदा यहां पर लोकसभा की कैंडिडेट हैं, और गठबंधन से आरएलडी, बसपा और सपा के तरफ से आजम खान जी हैं, और कांग्रेस की तरफ से संजय कपूर जी हैं। तो यहाँ की जनता का क्या रुझान है इस वक्त, जनता रामपुर की क्या सोच रही है, आजम खां, जयप्रदा या संजय कपूर, किसको इस दफ़ा वो सांसद बनाना चाहते हैं, और साथ ही हम जनता से बात करेंगे कि मोदी सरकार के 5 साल में रामपुर की जनता ने कितना विकास देखा है और रामपुर में कितना विकास हुआ है। क्या नाम है सर आपका? अनीस अहमद। अहमद जी, ये बताइए कि मोदी सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं, तो क्या कुछ अच्छे दिन आए जिस तरीके से वादा किया गया? कोई अच्छे दिन नहीं आए, कोई अच्छे दिन नहीं आए। अच्छा, तो ये बताइए कि रामपुर की जनता का इस दफा कैसा रुझान है? एक तरफ जयप्रदा हैं, दूसरी तरफ आजम खां हैं। साइकिल। अच्छा, क्यों जयप्रदा अच्छी नहीं है क्या? नहीं, मतलब हमें तो साइकिल को देते हैं वोट, आजम खान जीतेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो सांसद हैं बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, क्या उन्होंने 5 साल में रामपुर के लिए कुछ काम किया है? अजी, काम मतलब उन्हें 5 मिनट को देखा भी नहीं है यहाँ पे। देखा भी नहीं है? हाँ। अच्छा, सिटी के अंदर नहीं देखा है? अच्छा, उनका कार्यालय पर आते होंगे तो आते होंगे अपने, मतलब यहाँ पर नहीं देखा सिटी के अंदर किसी ने। मतलब क्या लगता है कि रामपुर का विकास सिर्फ आजम खान जी? हाँ, आजम यहाँ करवाता है रामपुर का विकास। आपका नाम बताइए। मोहम्मद शोएब रजा। बताइए रामपुर की जनता क्या चाह रही है इस दफा, आजम खान को सांसद बनाना चाहती है? रामपुर की जनता मोहम्मद आजम खान को। अच्छा, क्यों बनाना चाहते हैं? काम बोलता है। हमारे सांसद डॉक्टर नेपाल सिंह थे, उन्होंने तो आज तक कुछ नहीं किया। नेपाल सिंह ने आके नहीं देखा, यहाँ के जो सांसद हैं वो बीजेपी के ही हैं। किस तरह का रुझान है रामपुर की जनता का, किसे सांसद बनाना चाहते? मोहम्मद आजम खान साहब। क्यों आजम खान? वो इतना ज्यादा उन्होंने विकास किया यहाँ पे ना, इतना मतलब इतना बड़ा रामपुर को तोहफा दिया है, यूनिवर्सिटी दी है। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं हमने 5 साल में बहुत काम किया है देश को। क्या काम किया है? कहाँ गए 15 लाख रुपए? कहाँ गए 4 करोड़ नौकरियाँ? सब युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने बोल दिया है कि पकौड़े बनाओ, कहाँ जाए नौजवान, क्या करे बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान जी, बताइए कि मोदी जी के कार्यकाल से जनता खुश है क्या? अच्छा, आप अभी खुद ही देखा है आपने, अभी इन्होंने क्या कहा है, वही जवाब मेरा है कि हम लोग अच्छी खासी डिग्री लेने के बाद, टैलेंटेड होने के बाद पकौड़े पकाएंगे, ये आप बताइए, समोसे बनाएंगे, ये बताएं आप। उन्होंने बताया था कि 5 करोड़ नौकरियां निकले, कितना बताया था भाई? हर साल दो करोड़ रोजगार निकले, कहाँ गए वो 2 करोड़ रोजगार? अच्छा, और उन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा, उसको तो भूल ही जाए। अच्छा, काला धन की जब रोजगार की जब बात करते हैं लोग, तो उन्होंने झाड़ू थमा दी लोगों के हाथों में। वो कह रहे हैं मैं चौकीदार बनकर सेवा करना चाहता हूँ। वो चौकीदार बनकर सेवा नहीं करना चाहते, चौकीदार देश के बाहर नहीं भागते, चौकीदार देश के दरवाजे पर रहते हैं। अच्छा, और अगर वो ये बताएं देश का पैसा बाहर कैसे गया? हाँ बताइएगा जी सर। चौकीदार बनकर सेवा करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है सर? चौकीदार बनकर सेवा करना चाहते हैं तो जब विजय माल्या भागे थे, और तो उस वक्त चौकीदार कौन था? ये जो जितने भगौड़े हैं पैसे लेके भागे, उस वक्त चौकीदारी कौन कर रहा था भाई, ये बता दें पहले। वो युवाओं को नौकरी दी मोदी सरकार ने? हाँ, निको नौकरी दी तो सर, इतने बढ़िया बढ़िया युवा ग्रेजुएशन करे, पकौड़े बनाते रहे, इससे अच्छी क्या जॉब होगी? ग्रेजुएशन करो, ड्यू से करो, अलीगढ़ से करो, कहीं से भी पकौड़े बनाना है, प्रधानमंत्री का आदेश है भाई, उससे अच्छी नौकरी क्या है? तो क्या सोच रही है इस वक्त रामपुर की जनता का? सर, रामपुर की जनता की अगर आप बात करें, रामपुर की जनता की अगर आप बात करें, तो यहाँ तो बस आजम खान के अलावा कोई नहीं जीतेगा, सब गलत फहमियाँ है। और देश के अंदर गठबंधन की सरकार बनना अब तय हो गई है, चाहे आप प्रशासन को अपने ताकत के इस्तेमाल पे आप लगाएं इलेक्शन के लिए, कोई काम नहीं आने वाला है। पब्लिक 5 साल बेवकूफ बन चुकी है, अब सब समझ गए हैं कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, कोई चक्कर में नहीं है सर, बस गठबंधन की सरकार तैयार है। अच्छा, एक बात बताइए कि बीजेपी के लोग या बीजेपी के नेता ये कहते हैं
कि मोदी के टक्कर पर कोई दूसरा नेता नहीं है देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो कैसा है क्या? हाँ तो सर, इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा फरेब वाला आदमी नहीं है, हकीकत है, कोई नहीं है इतना बड़ा झूठा। और क्यों नहीं है, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए मोदी साहब पहले शख्स है जो ऐसी बातें करते, इतना बड़ा झूठ बोलेंगे और इतने अच्छे से कि जैसे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई नहीं है सर ऐसा नेता, इतना बड़ा झूठा नहीं। तो क्या क्या चाहता है इस वक्त युवा, देश का क्या सोच रहा है, किसको प्रधानमंत्री के तौर पर अच्छा नेता दे? देखिए सर, प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो बात की बात है, लेकिन ये जरूर सोच रहा है हिंदुस्तान का युवा कि इनको हटाना है। बताइए, अच्छा दिन है। जी जी, झूठे हैं प्रधान जी, बिल्कुल प्रधानमंत्री झूठे हैं, कौन सी बात, बिल्कुल चौकीदार बनकर सेवा नहीं, चौकीदार बनना अलग बात है, झूठा होना अलग बात है, झूठी चौकीदारी कर रहे हैं वो। हाँ, आप किस जगह पे आप कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा देश जा रहा है, जो हमारे देश की विभिन्नता में एकता थी वो ही खत्म हो गई, जो हमारे देश में विभिन्नता जिसकी वजह से हमारा देश पूरा मशहूर था तमाम दुनिया में, उसको खत्म कर दिया। कोई मुद्दा जो सही मुद्दा है उस पर बात ही करने को तैयार नहीं है, हमेशा उल्टी सीधी बातें समाज को बांटने का। वो कह रहे हैं कि एक बार सरकार और बनवा दो फिर अच्छे दिन आएंगे। नहीं बनेगी, अब तो सरकार नहीं बनेगी, कहते हैं कि कांग्रेस ने तो बनवा के देख जो लिया भाई, कितने अच्छे दिन आ गए, इसको बनवा के देख जो लिया। आप जो हैं चौराहों पे और इस पे कर रहे हैं ये तो तमाम दुनिया जानती है, जो खास मुद्दा है नौकरियों का उसका कोई जिक्र नहीं है। कहाँ पे हमारी नोटबंदी से क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ इसका कोई जिक्र नहीं। सवाल पूछे जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल का देश पर राज किया है, तो वो 70 साल का हिसाब दें अपना, हमसे भी 5 साल में क्यों मांग रहे हैं हिसाब? अरे जो 5 साल का है वो तो हिसाब दो, आप 70 साल का हिसाब लेना शुरू कर रहे हैं यार, जब से भारत बना है तो जब इसमें जो मोदी जी ने यह आरएसएस की क्या भूमिका थी, भारत की आजादी के लिए कोई भूमिका थी? तो उससे अगर हम उनका हिसाब मानने लगे तो वो तो देशद्रोही है, माफी मांगी है उन्होंने अंग्रेजों से। अच्छा। हाँ गलत कह रहा हूँ मैं? हाँ। ये तो रिकॉर्डेड प्रूफ है भाई, है ना? तो अब अगर हम उनका इस 70 साल का हिसाब मानने लगे मोदी जी का, तो वो तो भी मतलब है ही नहीं इस काबिल के उनको यहाँ पे इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। चौकीदार तो आलू की भाजी खाता है, काजू की रोटी खाता है, चौकीदार 10 लाख का सूट पहनता है या 1.5 लाख का पैन रखता है अपने गाने, 10 लाख का मोबाइल रखता है चौकीदार, उसके वो तो चौकीदार का डंडा होता है। अच्छा, मुस्लिमों की अगर हम बात करें तो वो 3 तलाक पर बिल लेके आए, कानून बनाया और कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हमने बहुत अच्छा कदम उठाया है, कितना अच्छा काम किया। देखिए मुस्लिम महिलाओं का जो मामला जुड़ा हुआ है वो खास हमारी शरीयत से जुड़ा हुआ है ना, हम इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते। मुस्लिम महिलाओं के इतने हितेशी हैं तो मुसलमानों का भी कोई रिजर्वेशन होना चाहिए, या मुस्लिमों को कोई टिकट, मुस्लिम महिलाओं का कोई टिकट दिया ही इन्होंने? खाली रिजर्वेशन यानी खाली तलाक के ऊपर इतनी हमदर्दी है, लेकिन और मुस्लिम महिला प्रत्याशी को भी शायद नहीं उतारा है। नहीं, मुस्लिम प्रत्याशी को भी नहीं उतारा है, जो उनके लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी से जाते हैं, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, वही बात कर रहा हूँ, शाहनवाज हुसैन साहब हैं या अपने नकवी साहब हैं, वो जाते तो हमारी कम्युनिटी से हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी से पे कभी बात नहीं करते, वो हमारे वेल विशर होने चाहिए या उस पार्टी के? हम आलम खान को यूं ही सपोर्ट करते हैं कि वो उस पार्टी में भी रह के हमारा सपोर्ट करते हैं मुस्लिम का, हमें यहाँ पे 3rd डिग्री का नेशनल समझा जा रहा है, ये कहाँ तक है? आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।